सेना की जमीन घोटाले मामले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए जगत बंधु टी स्टेट के मालिक अमित अग्रवाल और डायरेक्टर दिलीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है और अब से कुछ देर बाद रांची के पीएमएलए कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। अभी मेडिकल की टीम पहुंची हुई है और मेडिकल जांच करने के बाद दोनों को यहां से कोर्ट ले जाया जाएगा। बता दूं कि जगत बंधु टी स्टेट वही कंपनी है जिसने सेना की ज़मीन को ख़रीदा था और उसके एवज में 7 करोड़ की पेमेंट की गई थी। हालांकि बताया जा रहा कि उस ज़मीन की जो मौजूदा कीमत है वो 20 करोड़ है, लेकिन सिर्फ 7 करोड़ में इसकी खरीदी की गई, लेकिन बदले में मात्र 25 लाख ही पेमेंट किया गया और 6 करोड़ 75 लाख की पेमेंट जो है वो फर्जी दिखाए गए। तो इसी मामले में जो है पूरी कार्रवाई की गई है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दूं कि 13 अप्रैल को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और छापेमारी के बाद जो बड़गाई के सीआई है भानु प्रताप, प्रदीप बाक्षी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद उनसे कई दिनों तक इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद रांची के पूर्व डीसी को समन जारी किया गया था और पहले समन में वो नहीं पहुंचे थे, उसके बाद दूसरी बार समन जारी किया गया था और समन जारी होने के बाद वो पहुंचे थे और लगभग 9 बजे तक उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उसके बाद 4 मई को फिर से उन्हें इसी ईडी कार्यालय में बुलाया गया था और लंबी पूछताछ के बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें भी रिमांड में लेकर कई दिनों तक पूछताछ की गई और इस दौरान कई लोगों को समन जारी कर इस पूरे ज़मीन घोटाले से जुड़े मामले की जो है तहकीकात तक पहुँचने की कोशिश की गई। अब इसी मामले में है दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और किन लोगों पर गाज गिरती है और आज जब पीएमएलए की विशेष अदालत में दोनों को पेश किया जाएगा तो क्या ईडी इन दोनों के लिए रिमांड की मांग करेगी। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।